संदिग्ध परिस्थितियों में सिमरिया थाना अंतर्गत ककरेड़ी निवासी नवब्याहता रुकमणी रजक पति नीरज रजक उम्र 22 वर्ष का सोमवार की शाम लटकता हुआ शव मिला, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने अंधेरा होने के कारण घटनास्थल को सुरक्षित कर मंगलवार की सुबह सीन ऑफ क्राइम यूनिट के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर आरपी शुक्ला के नेतृत्व में टीम द्वारा घटनास्थल का मुआयना किया गया। वहीं मृतका का बायां कान कटा हुआ पाया, जबकि सिर पर धारदार हथियार से हमला किए जाने के निशान मिले, जिस पर महिला के साथ मारपीट कर हत्या पश्चात फांसी पर लटकाए जाने की आशंका जाहिर की जा रही है। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया, जबकि अज्ञात के खिलाफ मर्म कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रस्तुत है रीवा पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह से जानकारी के अनुसार। सिमरिया में कल सूचना थाने पे मिली कि एक महिला जो है फांसी पे लटक गई है। सूचना उसके ससुर ने दी थी। घर पे ससुर उसकी और महिला और उसकी जेठानी, यही तीन लोग रहते थे। लड़का और उसका महिला का देवर मुंबई में काम करते हैं, जेठ जो है सतना में रहता है। सूचना पर मिलने पे तत्काल थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने देखा डेड बॉडी लटकी हुई है, परंतु उन्होंने पाया कि उसके सर में चोट है और आँख के पास चोट है। उनको तत्काल संदेहास्पद लगा तो उन्होंने तत्काल जो है FSL अधिकारी को बुलवाया, जिस पर मौका मुआयना करने के बाद SGMH से उसका PM कराने का निर्णय लिया गया। और SGMH में PM के बाद जो भी मृत्यु का कारण स्पष्ट होगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। पुलिस को घटना संदेहास्पद प्रतीत हो रही है। साथ आत्महत्या का प्रकरण प्रथम दृष्टया नहीं लग रहा था, इस कारण से पुलिस इसमें त्वरित कार्रवाई कर रही है।